नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। आइए हम आज पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। अभी तक हमने एंटोमोलॉजी के बारे में एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी के बारे में कि हमको एंटोमोलॉजी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है, एंटोमोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, जूलॉजी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी इन विच स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसके अंदर इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम में पूछा जाता है एंटोमोलॉजी जो वर्ड है, एंटोमोलॉजी वर्ड ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा या लैटिन, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। एंटोमोलॉजी द ग्रीक वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटोमोलॉजी जो वर्ड होता है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एंटोमो और लॉगस। एंटोमो और लॉगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है एंटोमोलॉजी। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट और लॉगस मीन्स डिस्करेज। हिंदी में बात करें हम तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। किसकी स्टडी, इंसेक्ट की। क्लियर है? तो एंटोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का शब्द होता है या ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी करना, एंटोमो और लॉगस। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि इंसेक्ट जो हैं किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। इंसेक्ट जो है किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, आपने नाम सुना होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर, इंसेक्ट जो है किस फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट। अब ये आर्थ्रोपोडा है, ये भी क्या होता है, ग्रीक वर्ड है। आर्थ्रोपोडा है, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, आर्थोस और पोडस, दो शब्दों से मिलकर बना है पोडस। आर्थोस मीन्स क्या होता है, सेगमेंटेड, क्या होता है, सेगमेंटेड। और पोडस मीन्स क्या होता है, लेग्स। तो इनके जो लेग्स होते हैं क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। आर्थोस मीन्स सेगमेंटेड, खंडित, और पोडस मतलब क्या होता है, लेग्स, लेग्स आर सेगमेंटेड। क्लियर है? अब फाइलम जो आर्थ्रोपोडा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे कौन कौन सी क्लासेस है हम देखते हैं, उसमें से हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या होती है, क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस इस फाइलम की क्या होती है, संघ। फाइलम मतलब संघ, इसकी क्लासेस हैं जैसे हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, या इसको कहते हैं हम इंसेक्टा। ठीक है, दूसरे नंबर की होती है अरेक्नेडा, अरेक्नेडा। तीसरे नंबर की क्लास है मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, क्रस्टेशिया। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है क्रस्टेशियंस, डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, क्लासेस होती हैं। किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आती है, इंसेक्ट की अलग अलग क्लासेस आती है। मेनली हमको जो पढ़ना है एंटोमोलॉजी के अंदर वो दो अलग अलग क्लासेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक क्लास पढ़ते हैं हम क्लास हेक्सापोडा और एक क्लास अरेक्नेडा, हम दो क्लासेस के बारे में, क्योंकि अधिकतर 97% जो इंसेक्ट बिलोंग्स टू क्लास हेक्सापोडा और इंसेक्टा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम क्लास हेक्सापोडा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास आर्थ्रोपोडा, सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोडा की ये क्लास है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। ठीक है, इसके बारे में कि इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स इंसेक्ट के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर इस क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, इस क्लास के जो भी सदस्य होते हैं, उनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल फीचर्स होते हैं, या इंसेक्ट के क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास कौन सी पढ़ने वाले हैं, हेक्सापोडा। क्लास पहले नंबर की क्लास पढ़ने वाले हम क्लास
हेक्सापोडा इंसेक्टा, ठीक है, क्लास हेक्सापोडा या इंसेक्टा। तो इसके जनरल कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लास इंसेक्टा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, मीन्स इस क्लास के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। पहले नंबर का कि क्लास इंसेक्टा के अंदर जो भी इंसेक्ट आते हैं, जो भी इनके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है, डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट, इनका जो बॉडी होती है वो तीन सेगमेंट में डिवाइड होती है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, बॉडी जो होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्लास इंसेक्टा के जो मेंबर्स होते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, नेमली उनके जो नाम्स होते हैं, पहला क्या नाम होता है, हेड, दूसरा होता है थोरेक्स, ठीक है, और तीसरा होता है एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जो हेड होता है उसको सिर, वक्ष, उदर, ठीक है। जो हेड होता है इसके अंदर कितने सिक्स सेगमेंट, हेड जो होता है कितने सेगमेंट होते हैं, सिक्स सेगमेंट्स होते हैं। थोरेक्स के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, थ्री सेगमेंट्स होते हैं। थोरेक्स जो पाला पार्ट होता है कितने सेगमेंट होते हैं, तीन सेगमेंट होते हैं। और एब्डोमेन कितने, 11 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में कितने 11 सेगमेंट होते हैं, क्लियर है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि मेंबर्स बिलोंग्स टू या इंसेक्ट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट हेड, सेकेंड थोरेक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। हेड इज सिक्स सेगमेंट, थोरेक्स थ्री सेगमेंट एंड एब्डोमेन इज 11 सेगमेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या है, देयर इनकी जो सिमेट्री होती है, एग्जाम में कभी कभी सिमेट्री पूछा जाता है, कोई भी इस पृथ्वी पर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर सिमेट्री होती है, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है कि हम उसके शरीर को काट के देखते हैं एक एंगल से, पर्टिकुलर एंगल से क्या करते हैं उसके बॉडी को हम क्या करते हैं, कट करके देखते हैं। अगर हम देखते हैं इसकी बॉडी अगर दो क्या होती है, इक्वल हाफ के दो बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड होती है, अगर हम उसको किसी भी एंगल से अगर काटते हैं, अगर उसकी बॉडी दो बराबर भागों में डिवाइड होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को हम इस यहाँ से वर्टिकल प्लेन से काटते हैं तो दो बराबर हिस्से हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसको हम अगर हम उस बॉडी को किसी भी एंगल से काटते हैं, अगर हमको कभी भी अगर दो बराबर भाग प्राप्त नहीं होते हैं तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे आपको कॉकरोच को काटने, तो कॉकरोच को आप कैसे काटोगे, वर्टिकल प्लेन, कॉकरोच को आप कैसे काटोगे इस तरह से, तो वर्टिकल प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि इनका जो बॉडी होती है सिमेट्री होती है, वो कैसी सिमेट्री होती है इंसेक्ट में, किस प्रकार की सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, क्लियर है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है, किस प्रकार की, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इनकी जो बॉडी है इन तीन लेयर से मिलकर बनती है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, क्लियर। इनकी जो बॉडी होती है वो तीन लेयर से मिलकर बनती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। हमारी बॉडी भी होती है इन्हीं तीनों लेयर से, तो हम भी क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय। हमारे कुछ ऑर्गन क्या होते हैं, ओरिजन एक्टोडर्म होते हैं, कुछ मीजोडर्म होते हैं, कुछ एंडोडर्मल ओरिजन होते हैं। उसी प्रकार इंसेक्ट का भी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रि अलग अलग लेयर से मिलकर बनती है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट, मैंने आपको बताया इनकी जो बॉडी होती है वो थ्री सेगमेंटेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हेड है, ठीक है। हेड जो होता है उस पर वन पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर्स ऑफ एंटीना,
कहाँ पर जो हेड वाला पार्टिकल होता है उस पर, ठीक है, क्या होता है, वन पेयर्स ऑफ एंटीना, वन पेयर्स ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ पर होते हैं, हेड वाले पार्ट पर, जो हेड वाला पार्ट होता है उस पर क्या होता है, वन पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं। एंड कंपाउंडाइज, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आपको किसी किसी इंसेक्ट में सिंपल आई भी मिलती है, मेनली क्या होती है, कंपाउंड आई क्या होती है, हेड के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, संयुक्त जो आईज होती है, तो इंसेक्ट में किस प्रकार की आईज, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है। अगला कैरेक्टर है ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके अंदर थ्री पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ सेगमेंटेड लेग्स, वॉकिंग नहीं सॉरी क्या होते हैं, सेगमेंटेड लेग्स होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, थोरेक्स, इस थोरेक्स पर क्या होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ सेगमेंटेड लेग, क्या होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ सेगमेंटेड लेग्स। अब देखो हम क्या होते हैं, तो जो थोरेक्स होता है, इस थोरेक्स के कितने भाग होते हैं, तीन, थोरेक्स के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, थोरेक्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन, मैंने आपको बोला कि थोरेक्स वाले भाग में क्या होते हैं, थ्री, थोरेक्स वाले भाग में क्या होते हैं, तीन जोड़ी सेगमेंटेड लेग्स पाए जाते हैं, तीन जोड़ी क्या होते हैं, खंडित पैर पाए जाते हैं। अब जो थोरेक्स होता है, ठीक है, आइए देखते हैं थोरेक्स, तो थोरेक्स के कितने भाग होते हैं, तीन, प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, और थर्ड इज, थर्ड कौन सा होता है, मेटाथोरेक्स, ठीक है, थ्री सेगमेंट्स होते हैं थोरेक्स के, मेटाथोरेक्स, क्लियर है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अगर हम लेग्स की बात करते हैं ना, लेग्स, तो प्रोथोरेक्स में वन पेयर, ठीक है, एक जोड़ी यहाँ होते हैं, एक जोड़ी यहाँ होते हैं, और एक जोड़ी यहाँ, टोटल तीन जोड़ी होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, तीन जोड़ी होती हैं, प्रोथोरेक्स पर एक जोड़ी यहाँ पर, और एक जोड़ी यहाँ पर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो विंग्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, पंख होते हैं, पंख एक या दो जोड़ी, ठीक है, पंख या तो एक जोड़ी होते हैं या फिर क्या होते हैं, दो जोड़ी होते हैं, क्लियर आपको, पंख या तो क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं या फिर दो जोड़ी होते हैं, तो विंग्स जो होते हैं वन और टू टू पेयर, या तो एक जोड़ी होगा या फिर दो जोड़ी, तो प्रोथोरेक्स जो है यहाँ पर कभी भी विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर देखो दो जोड़ी है तो एक जोड़ी पंख यहाँ पर पाए जाएंगे, एक जोड़ी पंख यहाँ पर होंगे, अगर एक ही जोड़ी है तो कहाँ पर होते हैं, मेटाथोरेक्स पर होते हैं, क्लियर है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स मतलब श्वसन छिद्र, ठीक है, थोरेक्स जो भाग होता है इसका मेन फंक्शन जो होता है, थोरेक्स वाले भाग का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन, थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन, लेकिन ये माइनर फंक्शन का रेस्पिरेशन भी होता है, श्वसन क्या होता है, इसका जो मेटाथोरेक्स वाला भाग होता है यहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स मीन्स श्वसन छिद्र प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मेटाथोरेक्स वाले भाग में, तो ये माइनर फंक्शन इसका क्या होता है, माइनर फंक्शन श्वसन में भी मदद करता है, जो थोरेक्स वाला भाग होता है देखो उड़ने में मदद करता है क्योंकि यहाँ पर पंख होते हैं, चलने में मदद करता है क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, मेन फंक्शन तो यही है, या तो चलना या उड़ना, मीन्स लोकोमोशन, स्पाइरिकल्स मीन्स श्वसन क्षेत्र, ठीक है, तो श्वसन में भी मदद करता है, किस में, रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो थोरेक्स के कितने भाग होते हैं, तीन, ठीक है, थ्री सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स का जो मेन फंक्शन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि थोरेक्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या है, तो थोरेक्स का मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन। हम देखते हैं कि थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या है, थोरेक्स का मेन फंक्शन जो होता है क्या होता है, लोकोमोशन, थोरेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन, और माइनर फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, माइनर फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आता है पार्ट एब्डोमन, अगला पार्ट कौन सा आता है, एब्डोमन, ठीक है, इंसेक्ट के एंटीना हो गए, लेग्स हो गए, विंग्स हो गए, ठीक है, अगला पार्ट आता है एब्डोमन, ठीक है। अब एब्डोमन में बॉडी के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, यह जो एब्डोमन वाला भाग होता है जो उसका मेन फंक्शन जो होता है, एब्डोमन जो होता है उसका मेन जो फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, एब्डोमन वाला जो भाग है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन, क्लियर है, रिप्रोडक्शन
और रेस्पिरेशन किसका मेन फंक्शन होता है? एब्डोमन का। अब इंसेक्ट जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत वेल डेवलप्ड होती है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो तीन पार्ट्स में बनी होती है। देखते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है इंसेक्ट का, वो होता है ओपन टाइप। कैसा होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट। इनके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये इनका जो ब्लड होता है, इनके अंदर रेड कलर का ब्लड नहीं होता, इनका जो ब्लड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। इनके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है ब्लड, उसको क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके अंदर एक्सक्रिएशन किस होता है, इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है इंसेक्ट में, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन, तो इनके अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो किससे होता है, मेनली मालपिजियन ट्यूबुल्स। किससे होता है? मालपिजियन ट्यूबुल्स के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। उत्सर्जन मेनली किससे होता है, तो उत्सर्जन किससे होता है, मालपिजियन नलिकाओं से। और उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है यूरिक एसिड, वो होता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर जो जलीय कीट होते हैं उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है। एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में तो क्या होता है, यूरिक एसिड। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड। और जो कैसे होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अमोनिया। उनमें किसका उत्सर्जन होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हम ये पढ़ रहे हैं किसके, क्लास इंसेक्ट या हेक्सापोडा के जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगला पॉइंट है अपना कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो किससे मिलकर, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से। इस एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, इसके तीन भाग होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइटगट। एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, फोरगट, मिडगट एंड हाइटगट। क्लियर? सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल क्या होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट के अंदर कैसा होता है, इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड ओविपोजिटर, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर ओविपोजिटर, मीन्स अंडे देने वाले होते हैं। तो ये क्लास इंसेक्टा के जो मेम्बर्स होते हैं उनके क्या है, जनरल कैरेक्टर। 97% इंसेक्ट आर बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है 97% इंसेक्ट जो होते हैं वो क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्रास होपर, वर्क्स, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है ना, कॉकरोच, ये सभी इसी के अंदर आते हैं, कॉकरोच। तो 97% जो इंसेक्ट हैं बिलोंग्स टू क्लास हेक्सापोडा, ये इंसेक्टा, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर हो गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास अरेक्निडा, जिसके बारे में हमको जनरल कैरेक्टर्स देखना है। क्लास अरेक्निडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्लास अरेक्निडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं हम क्लास अरेक्निडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगली क्लास है क्लास अरेक्निडा, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किस तरह से, देखो, पहला होता है एक सेफेलोथोरेक्स, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन।
अब ये सेफलोथोरैक्स कैसे आता है, किसके अंदर जो हेड और थोरैक्स वाला वो जो भाग होता है, हेड प्लस थोरैक्स, ये आपस में क्या होता है, फ्यूज होता है। ये आपस में फ्यूज होके क्या बनाता है, सेफलोथोरैक्स। ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सेफलोथोरैक्स बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? तो क्लास अरेकनिडा की जो इंसेक्ट बॉडी है, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होता है, दो पार्ट्स में, एक सेफलोथोरैक्स, सेकेंड इज एब्डोमन, दो भागों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सेफलोथोरैक्स क्या होता है, हेड और थोरैक्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बना देते हैं, सेफलोथोरैक्स बनाने का काम करते हैं। इनके अंदर जो होते हैं, एंटीना आर एब्सेंट, विंग्स आर एब्सेंट। एंटीना क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंटीना क्या होते हैं, एंटीना आर एब्सेंट, ठीक है। विंग्स आर एब्सेंट, पंख भी क्या होते हैं, एब्सेंट, पंख क्या होते हैं, एब्सेंट। लेकिन एंटीना की जगह एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किसकी जगह, एंटीना की जगह पर क्या होता है, चिली शहरी, क्या होते हैं, चिली शहरी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, चिली शहरी, याद रखना क्या, चिली शहरी स्ट्रक्चर होता है। एंटीना की जगह क्या होता है, चिली शहरी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विंग्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर पेयर ऑफ अनसेगमेंटेड या वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट, ठीक है। अनसेगमेंटेड लेग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, चार जोड़ी अनसेगमेंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीना होते नहीं है, ठीक है, विंग्स होते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें भी एस्क्रिएशन किस होता है, इनका भी अगर उत्सर्जन पूछा जाए उनमें भी किस होता है एस्क्रिएशन, तो मालपिजन ट्यूबल्स के द्वारा होता है, या फिर किसी किसी में किस होता है, कोक्सियल ग्लैंड, किस होता है, कोक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। किसी किसी मालपिजन अधिकतर किस में होता है, कोक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है, मेनली याद रखना कोक्सियल ग्लैंड, क्या याद रखना हमको, मालपिजन ट्यूबल्स भी नहीं, हमको पहली क्या याद रखना है, कोक्सियल ग्लैंड, अगर एस्क्रिएशन पूछा जाए तो कोक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। इनके अंदर क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। वहाँ पर इंसेक्ट में स्पाइरिकल्स या इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन आपसे पूछा जाए तो किससे होता है, ट्रेकिया, ट्रेकियोस या स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। लेकिन क्लास अरेकनिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं, टिक्स माइट जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, क्लास अरेकनिडा का जो ऑर्डर है एकेरिना, एकेरिना, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, टिक्स माइट्स, टिक्स माइट्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं, मकड़ी है, बिच्छू है, टिक्स है, माइट्स है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो क्लास अरेकनिडा के अंदर ये सभी आते हैं। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लास अरेकनिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको किल करने वाले केमिकल्स को क्या कहते हैं, एकेरिसाइड, क्या कहते हैं, एकेरिसाइड। मीन्स टिक्स माइट्स को मारने वाला जो केमिकल्स होता है, टिक्स माइट्स को मारने वाला जो केमिकल है उसे क्या कहते हैं, एकेरिसाइड कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा एंटोमोलॉजी सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लार्वल स्टेज, डैमेजिंग स्टेज और इस जो इंसेक्ट के ऑर्डर होते हैं 29 ऑर्डर, वो, ठीक है, आगे इंसेक्ट की बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करें, अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, जो भी बेल आइकन है उसको दबाएं, और जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा, और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके साथ ही 4 से 6 PM न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच स्टार्ट, किस पर आप डाउनलोड करें, डाउनलोड अभ्यास एग्री अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और 4-17 अगस्त से, ठीक है, 4 से 6 PM किसके लिए, तो अपने जो कोर्सेज हैं AFO, ADA, SADO
और जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन सब के लिए बैच स्टार्ट हो रही है। अभी क्या चल रहा है, फ्रीडम ऑफर चल रहा है, जिस पर आप 2000 रुपये टोटल फीस है, इस पर 199 का ऑफर या फीस का डिस्काउंट है। इसके लिए आप क्या करें, फ्रीडम कोड डालें 199, क्या डालें, फ्रीडम 199 कोड डालें और 2000 रुपये का कोर्स परचेस करें। इसमें आपको सिर्फ कितना 1800 रुपये पे करना है और आप 6 मंथ के लिए कोर्स, जिसमें 300 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, क्लियर है, और PDF मटेरियल, जो भी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल होंगी। ओके, थैंक यू।